हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। नॉमिज किचन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कॉर्न के क्रिस्पी पकौड़ा। आप यहाँ पे सुन सकते हो पकौड़े हमारे बहुत क्रिस्पी बने हैं। चलिए तो फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉर्न लिए हैं, उन्हें अच्छी तरह से क्लीन किया है। 2 से 3 पानी से आपको वॉश करना है। अभी इसे मैं मिक्सर में डाल के दरदरा ही ग्राइंड करूँगी। पूरा बारीक का पेस्ट आपको नहीं बनाना है। कॉर्न के साथ यहाँ पे मैं ग्रीन चिल्ली, अदरक और लहसुन को भी ग्राइंड करूँगी। कॉर्न को दरदरा है मिक्सर में ग्राइंड किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसमें ऐड करने वाली हूँ जीरा, हल्दी पाउडर, ओनियन को बारीक काट लिया है, एक बड़ा वाला ओनियन यूज किया है। उसके साथ ऐड करने वाली हूँ बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर। 2 कप ग्राम फ्लोर लिया है और 1/2 कप यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा। चावल के आटे से जो हमारे पकौड़े हैं ना क्रिस्पी बनेंगे। उसके साथ ऐड किया है बारीक कटा हुआ धनिया और इसे हम मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं डालना है, इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे और लगा तो हम इसमें पानी ऐड करने वाले हैं। उसके साथ ऐड किया है स्वाद अनुसार नमक। कॉर्न को और ग्राम फ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करने वाली हूँ पानी। पानी भी हम इसे थोड़ा ही डालने वाले हैं क्योंकि जो हमारा बैटर है ना हमें थोड़ा काढ़ा ही चाहिए। ज़्यादा पतला बैटर हम नहीं बनाएंगे। तो 1/2 कप पानी का ही मैंने यूज किया है। अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करना है। इसमें मैंने बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं किया है, फिर भी जो हमारे पकौड़े हैं ना बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रखा था तो उसमें से मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल निकाला है और इसे हम बैटर में डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। इससे जो हमारे पकौड़े हैं ना बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ऑयल भी हमारे अच्छी तरह से गर्म हुआ है, उसमें ऐड करने वाले हमारे पकोड़े और मीडियम फ्लेम पे हम पकोड़े को फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है। एक साइड से जो हमारे पकोड़े हैं ना अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं, हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी क्रिस्पी से कॉर्न के पकोड़े खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे कॉर्न के पकोड़े खाने के लिए रेडी हो चुके हैं और सच में बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, आप ये पकोड़े घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। नॉमिज किचन देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।